हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड वाइब्रेशन को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको कीबोर्ड वाइब्रेशन को ऑफ़ कर देना है। अगर आपका कीबोर्ड जो है वाइब्रेट हो रहा है या पर कीबोर्ड में आप लोग कुछ भी टाइपिंग कर रहे हो तो अल्फ़ाबेट्स पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। और अगर आपको जो कीबोर्ड वाइब्रेशन पसंद नहीं आता है, आपको जो इसको बंद कर देना है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में कीबोर्ड वाइब्रेशन को बंद कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड वाइब्रेशन को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड को ओपन करना है। किसी भी सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होते कीबोर्ड में आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको ऑफ़ करना है। यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होने के बाद अभी आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो, आपका कीबोर्ड वाइब्रेशन जो है वो बंद हो चुका होगा। अगर फिर भी बंद नहीं हो रहेगा इस तो आपको बैक आना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैप्टिक वाइब्रेशन का, तो इस हैप्टिक वाइब्रेशन के ऑप्शन को आपको यहाँ पर से ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करते ही आपका जो कीबोर्ड वाइब्रेशन है वो भी बंद हो जाएगा। आप लोग जाके चेक कर सकते हो आपका कीबोर्ड वाइब्रेशन बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड वाइब्रेशन को ऑफ़ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।